हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत तीन तरीके से चेक कर सकते हैं कि उसकी राशि आया है कि नहीं आया है, कि कितनी किस्त उस किसान को मिला है कि नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, इसी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, ठीक है दोस्तों, तभी आपके समझ में आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे हमारी एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं शासन की नई नई योजनाओं की जानकारियां और जॉब से संबंधित तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो डालता रहता हूं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आपको इस तरह से बटन मिलेगा, उसमें आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल की घंटी को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जब भी नई नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप सबसे पहले हमारे वीडियो को देख पाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप हितग्राही के तीन तरीके से चेक कर सकते हैं, उसके आधार नंबर से, उसके अकाउंट नंबर से और उसके दर्ज मोबाइल नंबर से, ठीक है दोस्तों। अगर उसका एंट्री रहेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में तो ये जानकारी आपको आ जाएगी। इस तरह से उसका PDF प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसको निकालना है। तो सबसे पहले आपको www.pmkisan.gov.in पे आपको आ जाना है, ठीक है। मैं इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से भी आप जाके आ सकते हैं इस पेज में, ठीक है। इस पेज में आने के बाद ये देख सकते हैं, ये होम पेज है इसका, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, ठीक है। इस पेज में आने के बाद आपको सीधे यहाँ पे आना है, देख सकते हैं यहाँ पे फार्मर कॉर्नर में, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको चेक करना है, ठीक है। चेक करने के लिए आपको आना है बेनिफिशरी स्टेटस, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे तब हमारे सामने इस तरह से पेज आएगा, ठीक है। अब इस पेज में आप तीन तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं पहले आधार नंबर से चेक करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आधार नंबर पर क्लिक किया, अब आधार नंबर इसका डाल देंगे, इस तरह से डालने, उसके बाद गेट डाटा पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर दें, ये देख सकते हैं इस तरह से उसका पूरा डिटेल हमारे सामने आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा डिटेल है यहाँ पे, नाम है, मोबाइल नंबर का, ये लास्ट चार डिजिट है, ठीक है, चार अंक लास्ट, ये आधार नंबर का वैसे चार अंक है, ठीक है। ये उसका अकाउंट नंबर है पूरा, कौन सा अकाउंट डला है, IFSC कोड के साथ, ठीक है दोस्तों। ये रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, डन हो चुका है, कौन किस डेट पर रजिस्ट्रेशन हुआ है इसका, ये है, एक्टिव है कि इनएक्टिव है ये दिखा रहा है, एक्टिव है, ठीक है। ये रिकॉर्ड देख सकते हैं आप, पूरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट और ये थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो इसको जो है दो किस्त प्राप्त हो चुका है, ये देख सकते हैं। क्रेडिट डेट 19/8/2019 को हुआ है और दूसरा किस्त जो इसको मिला है 15/10/2019 की, अब तीसरा भी नहीं मिला है, तीसरा बाकी है, ठीक है दोस्तों, तो ये भी आएगा। तो इस तरह से यहाँ से आप प्रिंट आउट प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट आउट यहाँ से क्लिक करके आप प्रिंट निकाल सकते हैं इसका रिसिप्ट, ठीक है दोस्तों। अब ये हुआ आधार नंबर से, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके अकाउंट नंबर से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अकाउंट नंबर से मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से अकाउंट नंबर पे क्लिक किए, अब यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देख सकते हैं ये अकाउंट नंबर है। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैं एक अंक जैसे गलत भी करता हूँ, ठीक है, गलत करके जैसे देखते हैं तो इसमें नहीं निकलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं, ये जी ये देख सकते हैं लिखा हुआ है, एदर डिटेल आर नॉट रजिस्ट्रेशन द पोर्टल, इस पोर्टल में ये अकाउंट नंबर दर्ज नहीं है, सिर्फ उसी का निकलेगा जिसका दर्ज रहेगा, ठीक है। तो चलिए सही अकाउंट नंबर डाल देते हैं और गेट डाटा पे क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं फिर से वही डिटेल आ गया है अकाउंट नंबर से, ठीक है। अब मैं आपको इसके दर्ज मोबाइल नंबर से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मोबाइल नंबर तो हितग्राही को खुद पता रहेगा कि कौन सा मोबाइल नंबर डला है, क्योंकि लास्ट चार डिजिट ही इसमें शो होता है, ठीक है। तो अब हितग्राही का
पूरा नंबर इसमें डालना है, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो चलिए पूरे नंबर मैं डाल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं मैं पूरा नंबर डाल दिया हूँ और चेक कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं पूरा आ चुका है, ठीक है। मोबाइल नंबर भी अगर आप गलत करेंगे, जैसे कुछ गलत नंबर भी डालेंगे तो ये नहीं निकलेगा, ये देख सकते हैं इस नंबर से रिकॉर्ड में एंट्री नहीं हुआ है बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पूरे ऑल इंडिया में आप किसी भी व्यक्ति के आधार, उसके अकाउंट नंबर से और मोबाइल नंबर से आप चेक कर सकते हैं कि उसका कितना किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिला है, ठीक है दोस्तों। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही जानकारी आपको देने वाला था। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कुछ सवाल होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसका निराकरण करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।